मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुँच गए? अच्छी बात, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। ये अदालत मुलजिम शाकिर अहमद वल्द गुलाम अहमद की दरख्वास्त जमानत नामंजूर करते हुए 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस की तहवील में देती है। अबे मैंने तो पहले ही कहा था, भूल जा के तेरी जमानत होगी। अबे जितने सबूत तेरे खिलाफ है ना, मुझे लगता है अगली पेशी पे जज साहब सीधा फैसला सुनाएंगे और तुझे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। क्या हुआ? छोड़ी की नो, खोपड़ी उड़ा दूंगा। गलत करी, खोल दे। देख, भागना मुझे वैसे भी है, गन भी है मेरे पास, भाग जाऊंगा तुम दोनों को मार के जाऊं। गलत करी, पीछे हो ना, सर पे गोली मारूंगा। अच्छा, मार दूंगा गोली। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कहिए, आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है वहीं साहब? सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। बस हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो इतने बड़े माफिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने को तैयार हो जाए, बट जल्दी आपको अच्छी खबर दूंगा सर। वेरी गुड। अच्छा हुमायूं मलिक साहब, आपकी हदूद से आज एक कैदी कोर्ट से फरार हो गया। रियली सर, कब? आज सुबह ही। इसकी गिरफ्तारी के लिए किसी मिनिस्टर ने बड़ा जोर लगाया था। अब इसके फरार के बाद ये लोग इस मामले को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी सर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। इस मामले को हल करवाएं, मैं चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जा, कुछ मीटिंग्स हैं इसके सिलसिले में। मेरे वापसी तक प्लीज इस मामले को सॉल्व करो। डेफिनेटली सर, खुदा हाफिज़। सर फयाज, ये जो शख्स भाग गया कोर्ट से सुबह, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? सर हमारे पास बिल्कुल अभी इत्तला आई है। अब तक सिर्फ इतना पता चल सका है कि इसका नाम शाकिर है, किसी सीरियस केस में अंदर था। आज सुबह इसने जमानत की दरख्वास्त दी थी जो नामंजूर हुई। इसने सोचा होगा कि बचने का चांस तो खत्म हो गया, लिहाजा इसने भागने का फैसला कर लिया। जी सर, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। कभी कभी जो कुछ बज़ाहिर लग रहा होता है वैसा होता नहीं फयाज। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? जैसा आप बोले सर, ढूंढते हैं कब तक भागेगा। मुझे लगता है फयाज ये सबसे पहले शहर से भागने की कोशिश करेगा, तुम एयरपोर्ट पे और बस अड्डों पे और ट्रेन स्टेशन पे अपने बंदे सिविल ड्रेस में फैला दो, कराची से निकल लेना पाइए। ओके सर। और इस बंदे के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सके मुझे फौरी तौर पे दो, डिटेल में। राइट सर। हाथ होती है
आऊंगा मैं वापस, वापस आऊंगा मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, फयाज बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ फयाज, सब खैरियत? जी सर सब खैरियत। बस एक औरत आपसे मिलना चाह रही है, अब तक 4 बार कॉल कर चुकी है। अच्छा, और ये है कौन और क्यों मिलना चाहती है? सर वो शाकिर की बीवी है, शाकिर वाले केस के सिलसिले में मिलना चाह रही है। काफी परेशान लग रही थी सर, मुझे लगता है उससे काफी मालूमात मिल सकती है हमें। ठीक है, उसे ऑफिस बुलाना। जी सर, मैंने 2 बजे का टाइम दे दिया उसको। ठीक है, और कोशिश करना कि तुम भी वहीं हो, मैं जल्दी ऑफिस पहुंचता हूं। राइट सर। हेलो, हेलो हेलो, कौन? जी साहब, कौन है आप और क्या कर रहे हैं यहाँ? देखिए इम्तियाज साहब, मैं आपके केस को तफसील से देख लूंगी। अगर आपका बेटा बेकसूर होगा तो मैं उसे रिहा करवा दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन वकील साहब, आपकी फीस? फीस की आप फिक्र मत करें, आप मेरे लिए काम करेंगे। जी। आप अपनी बीवी का अच्छी तरह से ख्याल रखिए, उनकी हालत अभी सही नहीं है। जी। फीस के बारे में बाद में बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हेलो, मैं रोजामा दीवार से बात कर रहा हूँ, आपका कुछ वक्त चाहिए था। जी बोलिए। परसों कत्ल का एक खतरनाक कैदी कोर्ट से फरार हो गया, इसके अगेंस्ट केस आप लड़ रही थी। बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको उम्मीद है कि वो दोबारा पकड़ा जाएगा? देखिए, ये सवाल तो आपको पुलिस से पूछना चाहिए ना, हमारा काम तो वैसे ही गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है। कहा जा रहा है कि इस मामले पर एक सियासी पार्टी का भी दबाव रहेगा, इस बारे में आपकी क्या मालूमात है? देखिए जी, ना ही मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है और ना ही शाकिर का। सिंपल सी बात है, शाकिर एक कातिल था, उसने कत्ल किया था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, बस बदकिस्मती से वो जेल से भाग गया। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है। देखिए जी, मेरा जो मौकिफ था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब इस बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकती, और वैसे भी आप प्रेस वालों को लिखने से कौन रोक सकता है। अच्छा जी, मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, शुक्रिया। फयाज, ये शाकिर पे कोई अपडेट मिली हमें? सर, ये एक 35-40 साल शख्स है, पिछले एक साल से अंदर था। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के 2 चार्जेस हैं इस पे, काफी खतरनाक आदमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस के बारे में पता चली वो ये कि इसके अगेंस्ट केस मिस फायजा लड़ रही, काफी मजबूत केस बनाया उन्होंने। सर, मैडम फराज साहब आपसे मिलने आई। ठीक है, बुला लो। ओके सर। अपने इन्फॉर्मर्स ने कोई क्लू दिया अभी तक? सर, मेरे लोग पूरी तरह अलर्ट हैं, उनको जैसे ही कुछ पता चला वो फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हैं फरा शाकिर? जी मैं हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और आप मुझसे मिलना क्यों चाहती? तो क्या सर, आप नहीं जानते कि मैं आपसे क्यों मिलना चाह रही थी? बीबी हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जितना पूछ रहा हूं बस आप उसका जवाब दीजिए। सर वो मुझे मार देगा, मैं बहुत डरी हुई हूं सर, प्लीज मेरी मदद कर। कौन जान से मार देगा? मेरा शौहर शाकिर अहमद। शाकिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा तो आएगा ना, तुम जैसी जाहिल औरत से जवाब तो पड़ा है मेरा। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अपनी ये रोती सूरत मेरे सामने मत लाया करो। अच्छा चलो मुस्कुराओ, प्यारे प्यारे होंठों से मुस्कुराओ, शाबाश, दिल से मुस्कुराओ। सर मैडम फराज साहब आपसे मिलने आई हैं। ठीक है बुला लो। ओके सर। अपने इन्फॉर्मर्स ने कोई क्लू दिया अभी तक? सर मेरे लोग पूरी तरह अलर्ट हैं, उनको जैसे ही कुछ पता चला वो फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हैं फरा शाकिर? जी मैं हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और आप मुझसे मिलना क्यों चाहती? तो क्या सर, आप नहीं जानते कि मैं आपसे क्यों मिलना चाह रही थी? बीबी हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। मैं जितना पूछ रहा हूं बस आप उसका जवाब दीजिए। सर वो मुझे मार देगा, मैं बहुत डरी हुई हूं सर, प्लीज मेरी मदद कर। कौन जान से मार देगा? मेरा शौहर शाकिर अहमद। सर वो जेल से भाग गई है। आपको ये बात कैसे पता कि वो जेल से भाग गए? उसने कल रात मुझे कत्ल करने की कोशिश की है सर। पता नहीं कोई मुआवजा होगी और मैं बच गई सर, वरना वो मुझे जान से मार देता। सर प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी को समझे। मैं प्लीज आप तसल्ली रखिए, मुझे शुरू से पूरी बात तसल्ली से बताइए, आप शाकिर को कब से जानती हैं और अगर वो इतना बुरा आदमी था तो आपने उसे शादी क्यों की थी? सर मैं शादी ही नहीं करना चाह रही थी, मैं शादी से पहले बहुत खुश थी। मगर मगर क्या? वो मेरी ज़ईफ वालदे है सर, बस उनकी जिद के आगे मैंने हामी भर ली कि मैं शादी कर लूंगी। उनके किसी ताल्लुकात की बिना पर ये रिश्ता हुआ, 1 महीने में शादी हो गई सर। और शादी के बाद जाना कि शाकिर कैसा है। फिर कितने अरसे चली आपकी शादी? सर 2 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद शाकिर का रवैया अचानक चेंज हो गया। जरा जरा सी बात पे वो तो
मुझे ताने देने लगा, बहुत मारने लगे सर मुझे, बहुत मारने, बहुत तशद्दुद किया उसने सर मुझको, मुझे बहुत खौफ आता सर उस, वो बहुत बुरा आदमी है। किस बात पे मारते हैं? हर बात पे सर, मुझे तो लगता था कि उसको सुकून मिलता है मुझे डरा के, मुझे ज़हनी टेंशन देके, मैं समझ रही थी कि शायद उसको काम की डिप्रेशन है, लेकिन हमारे हालात तो बिगड़े थे। शाकिर, ये शर्ट ये स्त्री की है? ऐसे करते हैं स्त्री? वो एक्चुअली, वो क्या एक्चुअली? सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। किस किस चीज का ख्याल रखोगी तुम? मेरी, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे कपड़ों का, मेरे जूतों का, मेरी टाइमिंग का, मेरा हाल शाकिर? कितना वक्त हो गया हमारी शादी को, आज तक तुम्हें ये बेसिक बातें नहीं पता चली? मैं कोशिश तो करती हूँ ना। क्या खाक कोशिश करती हो तुम? शाकिर, ऐसे कौन से बात है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा तो आएगा ना, तुम जैसी जाहिल औरत से जवाब तो पड़ा है मेरा। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अपनी ये रोती सूरत मेरे सामने मत लाया करो। अच्छा चलो, मुस्कुराओ, अपने प्यारे प्यारे होंठों से मुस्कुराओ, शाबाश, मुस्कुराओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दिल से मुस्कुराओ। मेरा हर पल ऐसे डर के साथ गुजरता था कि कब मेरी कोई बात उसे बुरी लगे और वो मुझे टॉर्चर करे। वो डर मेरी जिंदगी में वापस आ गया है। मैं उस डर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। Please, काफी पेचीदा मैटर लगता है आपका, लेकिन आप परेशान ना हो, हमसे जो हो सके हम करेंगे। देखिए बीबी, मेरा मशवरा है कि फिलहाल आप घर जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपने घर के लॉक्स चेंज करवा लीजिए। आपने हमें शाकिर की तस्वीर दे दी है,
मैं कोशिश करूंगा कि हायर ऑफिशियल से बात करके आपके घर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन कोई वादा नहीं है। सर आप उसे अरेस्ट तो कर लेंगे ना? मैंने कहा ना हम पूरी कोशिश करेंगे, बस आपको एहतियात करनी होगी। अगर वो आपसे रابطہ करने की कोशिश करता है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। हमें अगर कोई बात पूछनी होगी तो आपसे फयाज कांटेक्ट कर लेंगे। जमील छोड़ो। जी सर। शाकिर पर एक एफआईआर लॉन्च कराओ, और इस बंदे की यकीनन कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री जरूर होगी, वो भी ढूंढो। राइट सर। मुझे इस आदमी की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा है। आपने इसे कहीं देखा है? भाईजान, आपने इसे कहीं देखा है? पढ़ा? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे ठंडी चाय देनी है? आपने इसे कहीं देखा है? भाईजान, आपने इसे कहीं देखा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, फुर्सत मिल गई आपको फर्ज की अदायगी से। जनाब वकील साहबा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एसपी साहब, आप कैसे हैं? याद करने के लिए कोई वजह तो नहीं चाहिए होती, बस ये तो आ जाती है। अरे वाह, दो दिन में तो आप काफी शायराना हो गए। अच्छा, तो फिर तो किसी ने ठीक कहा है कि ये तन्हाई जो है इंसान को शायर बना देती है। हाँ, इसका मतलब है कुछ देर और इंतजार कर लेना चाहिए, पूरी किताब तो तैयार हो जाएगी आराम से। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पुलिस ऑफिसर ही ठीक हूँ, मुझे शायरी में अपना स्कोप कोई दूर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं। शुक्र है आपने इस बात का इतराफ तो किया कि आपके प्रोफेशन में बहुत स्कोप है। अब आप वकीलों से जनाब कौन लड़ सकता है? तो फिर जनाब क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? कॉफी पीने के बारे में, काफी दिन हो चुके हैं। आज? आज नहीं जनाब, अभी। मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ काफी देर से। क्या? बस बिना सोचे समझे नीचे आ जाएं, इससे पहले कि कोई मेरा चालान कर दे। आपका भी कोई हल नहीं है हुमायूं साहब। अच्छा 10 मिनट वेट करें फिर मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, आज इतनी बुझी बुझी क्यों? हाँ कोई, आपको तो पता है ना, दिन भर कोर्ट कचहरी के मसले होते, ऊपर से सुबह से प्रेस के फोन आ रहे हैं। प्रेस वाले? हाँ वो सुबह से अखबारात के फोन आ रहे हैं मुझे, वो शाकिर के केस के सिलसिले में, जेल से जो भाग गया है वो।
हाँ वो बंदा गालिबन उसका केस तुम ही लड़ रही हो, मैंने सुना है उसे सजा होने वाली थी। हाँ बड़ा अजीब सा बंदा है वो, सुना है मेंटली डिस्टर्ब भी था वो, लेकिन केस अभी कोर्ट में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बीवी ने दी है मुझे आज। फरा नाम है ना उसका? आप कैसे जानते हैं फरा को? मेरी मुलाकात हुई है उससे, बहुत परेशान लग रही थी। शाकिर ने उसे मारने की कोशिश की है। अच्छा, That's very strange. इसका मतलब है शाकिर अपनी आजादी से ज्यादा उसके कत्ल में इंटरेस्टेड है। सवाल ये पैदा होता है कि वो सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं? हाँ मैंने कहा ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं भी फरा से मिली थी एक साल पहले फर्जी तौर पर। आज अचानक उसका मुझे फोन आया और उसने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। हो सकता है कि वो तुमसे कुछ बातें शेयर कर ले। हाँ मुझे भी यही लगता है। वैसे आप अगर चलना चाहें तो आप भी चल सकते हैं। हो सकता है शाकिर को ढूंढने में आपको कोई मदद मिल जाए। नॉट अ बैड आइडिया, मैं भी चलता हूँ। मेरे जहन में भी काफी सारे सवाल आते हैं, शायद उनका जवाब मिल जाए। ओके तो फिर कल शाम हम फरा के घर उससे मिलने चलते हैं। डन हो गया। अच्छा प्लीज कॉफी पिला दे। आपका मूड बेहतर हो गया? आई थिंक ये अच्छी जगह है। शाकी आपकी चाय। तुम्हारे भेजे में घुसती क्यों नहीं है? क्यों बताना पड़ता है तुम्हें बार बार? अब क्या हो गया? सुबह से शाम तक कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती मुझे तकलीफ देने का। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ बोलो। शाकिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि हुआ क्या है? मैंने तुम्हें नहीं कहा था
कि मुझे ठंडी चाय देनी है? क्या कहा था कि नहीं? बताया था, बिल्कुल बताया था। I'm so sorry, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। ध्यान कहाँ होता है आजकल तुम्हारा? क्या मतलब? कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? किसके ख्यालों में खोई रहती हो? शाकिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा ध्यान यहाँ रखा करो। अब जब तुम मुझे चाय दोगी ना तो मैं अच्छी तरह याद रहेगा। जाओ। आइए प्लीज, आइए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतने बिजी होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है जी, ये हमारी ड्यूटी है। मुजरिम को पकड़ लो। चाय या कॉफी बनाऊं मैं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं और एएसपी साहब इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ सवाल थे जो आपसे पूछने थे। पूछिए, बताने को वैसे भी रह क्या गया मेरे पास। वो एक्चुअली फरा, आपने पुलिस की रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि शाकिर को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर या जहनी मर्ज था, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री इतनी तवील और खतरनाक है। ऐसा क्यों? अगली पेशी पे जज साहब सीधा फैसला सुनाएंगे कम से कम। पीछे आओ ना, सर पे गोली मारूंगा। ये जो सर वाजे कोर्ट से सुबह, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? सर एक 35-40 साल का शख्स है। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के दो चार्जेस हैं इस पे। पता चल गया। वो मुझे मार देगा। कौन जान से मार देगा? शोहर शाकिर। इसका मतलब है शाकिर अपनी आजादी से ज्यादा उसके कत्ल में इंटरेस्टेड है। मुझे इस आदमी की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा है। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहां पहुंच गए? अच्छी बात, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।